पलवल गोश्त की रेसिपी समर रेसिपी। तो पलवल गोश्त तो सब, पलवल तो सब सब्जी का राजा है, तो पलवल गोश्त की मैं रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, तेल डाला, प्याज डाला। अब प्याज ब्राउन करके इसमें गोश्त डाल के मैंने खूब अच्छे से इसकी फ्राई की है। तो देखिए कलर चेंज हो गया। जितना तेल प्याज और इसके साथ ही गोश्त को फ्राई कीजिएगा, उतना आपकी गोश्त भी अच्छा बनेगा और सालन अच्छा बनेगा टेस्टी टेस्टी। तो अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। दो भर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मिर्च और नमक, अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से भुना गए, मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी 3 अदद। इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, और साथ में ये चला जाएगा पलवल, जिसका मैंने देखिए छिलका छील के ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा पीस कर लिया है। कि अच्छे से भुनाई कर दूं। अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, मैं इसमें पानी डाल दूंगी अपने में डाल बन के ये रेडी हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। ज़बरदस्ती रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपको गर्मी की सब्जियां की रेसिपी बहुत अच्छी और बहुत इजी, देखिए कितने अच्छी जल्दी और गर्मी में आपको किचन में टाइम भी कम। गोश्त और पलवल का फाइनल लुक। तो ये हमारा हो गया फाइनल लुक। तो आपको रेसिपी पसंद आए तो एकदम बिल्कुल फटाफट गर्मी में पलवल और गोश्त पकाइए, सबको बार बार मांग के खाएंगे। आप लोगों के लिए ठंडा ठंडा कस्टर्ड की रेसिपी लाई हूँ। तो मैंने 1 लीटर दूध को यहाँ बॉयल करने के लिए रख दिया है, अच्छे से बॉयल हो जाए पहले ये। और यहाँ देखिए मैंने कस्टर्ड ले लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी से डाल के गोल लूँगी, लम्स ना लगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि लम्स ना लगे। ज़बरदस्त आप कस्टर्ड बनाएंगे, कस्टर्ड तो आप लोग बहुत बनाए होंगे लेकिन आज मेरे स्टाइल से कस्टर्ड बनाइए। मैंने भी आप लोगों को बहुत तरह से कस्टर्ड बनाया लेकिन आज कुछ डिफरेंट है। मीठा आप अपने हिसाब से दीजिए, हल्का भी मीठा होता है। दो मिनट चीनी फूट जाए फिर कस्टर्ड डालेंगे। फर्स्ट रैक में है, पहले के ऊपर। अब मैं इसमें धीमा करके
डालती हूँ ताकि लम्स ना हो। ठंडा हो जाने के बाद फल दीजिए। फल गरम गरम में डाल देने से पानी छोड़ता है, पानी इसीलिए छोड़ता है, दही बेटे पानी इसीलिए छोड़ता है, इसलिए ठंडा होने के बाद दीजिए। ठंडा करने के लिए रखते हैं। थोड़ा सा इसमें डेकोरेट करेंगे, क्रीम डाल देंगे, फल जो रखा है ये डालूंगे, काजू डाल दिया और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जबरदस्त हमारा डिश आउट।